नमस्ते दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मटर पनीर। आइए शुरू करते हैं। पहले गैस जलाएंगे, कढ़ाई को गर्म करेंगे। कढ़ाई गर्म हो जाए ना, फिर इसमें रिफाइंड ऑयल डालेंगे। तो कढ़ाई अपना गर्म हो गया, इसमें ना ये बड़े चम्मच से एक चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे। आप कोई सा भी ऑयल में बना सकते हैं, जो आप ऑयल पसंद करें। फिर इसके बाद इसमें दो तेज पत्ते डालेंगे। उसके बाद छोटे चम्मच से मैंने साबुत जीरा लिया है, इस जीरे को इसमें डाल देंगे। अब कलर चेंज होने पर इसको थोड़ा भुनने देंगे। अब इसी स्टेज पे मैंने एक प्याज लिया है, बारीक बारीक काट के, बड़ा प्याज था, इसको बारीक काट लिया है। अब इसमें डालेंगे, जीरा अपना लाल हो गया, अब इसमें इसको डालेंगे और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई करेंगे। ये गोल्डन ब्राउन हो गया, आप देख सकते हो। इसमें हमने 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 4-5 लहसुन कलियां हमने कूट लिया है मोटा मोटा, और इसमें इसको भी फ्राई करेंगे। 2 सेकेंड के लिए इसको फ्राई करेंगे। फिर हमने क्या किया है, 2 बड़े टमाटर और 2 हरी मिर्ची को मैंने पेस्ट बना लिया है। अब इसको इसमें डालेंगे। आप भी टमाटर पीस के ही डालना, इससे क्या होता है ना, ग्रेवी अच्छी बनती है। इसको फ्राई होने देंगे। इसको 2-4 सेकेंड के लिए टमाटर को फ्राई होने देंगे। इसके बाद ना इसमें हमने मसाला, कुछ सूखे मसाले ले रखे हैं, तो इसमें क्या है, 2 छोटे चम्मच से मैंने धनिया पाउडर, 1 छोटे चम्मच से हल्दी पाउडर, कश्मीरी मिर्च 1 चम्मच और ये गरम मसाला और कसूरी मेथी, ये सारे मसाले हम इसमें डालेंगे। तो पहले तो धनिया पाउडर को डालते हैं, फिर हल्दी को डालते हैं, फिर कश्मीरी मिर्च को डालते हैं और इसको फ्राई करते हैं। फिर ये टमाटर को पकने के लिए ना इसमें नमक डालेंगे। तो नमक ये चम्मच से मैंने 1 चम्मच मैं अभी डाल रही हूँ टमाटर पकने के लिए, और इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे और गैस को कम कर देंगे। गैस कम हो जाए ना, फिर इसको ढकेंगे और बीच में चलाएंगे 2-2 मिनट के, करते हैं 5 सेकेंड के बाद। आप देख सकते हो ऑयल ये आसपास ये ऊपर आने लगा है। अभी इस टाइम पे हमने ये फ्रेश मटर ले लिया है, हमने 1 कटोरी, अब इसको इसमें डालेंगे। अगर आप फ्रोजन मटर डालते हो ना तो पनीर के साथ डालना, और इसको 2-3 सेकेंड के लिए फिर वापस इसको ढक के पकाएंगे। अब इसको ना अभी इस स्टेज पे ना इसमें ये जो कसूरी मेथी है ना अपना, ये कसूरी मेथी को हाथों से ऐसे रगड़ के और इसको क्रश करके डालेंगे। फिर इसको चलाते रहेंगे, झटपट बन जाता है दोस्तों। आप मेरे तरीक़ा से ना ऐसा मटर पनीर बनाइएगा, कोई भी बना सकता है, बच्चे भी बना सकते हैं। ये जो बाहर बच्चे रहते हैं ना, वो सोचते हैं पता नहीं कैसे मटर पनीर बनेगा, उनको बहुत बड़ा लगता है, लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं है। आप इसी तरीके से बनाइएगा। और मैंने 1 बड़े चम्मच से मैंने दही ले लिया है, तो दही डालने के टाइम पे ना आप गैस को बिल्कुल कम करके और इसको दही को डालना है और इसको तुरंत चलाना है, छोड़ना नहीं है। अगर आप छोड़ दोगे ना तो दही फट जाएगा, दही को फटना नहीं है। इसको ऐसे चलाते रहिएगा, 2-3 सेकेंड लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और जैसे ही ये इसमें बबल आने लगे ना तो आप गैस तेज कर सकते हो, लेकिन जब दही डालो तो गैस को कम कर देना। एक बार मेरे तरीक़े से ज़रूर बनाइएगा, बड़ा टेस्टी लगता है। और इस टाइम मैंने गैस को तेज कर दिया।
ये बिल्कुल होटल जैसा आपको ये पनीर लगेगा। आप इसी तरीक़ा से पक्का बनाइएगा और बताइएगा कमेंट्स में कि आपका पनीर कैसा बना। और अब इस गैस पे ना हमने जो टमाटर पीस रखा था ना उसमें कुछ मसाले थे, थोड़ा सा मैंने पानी डाल के और इसमें डाल दिया और फिर इसको चलाएंगे। आप इस पनीर को रोटी, चपाती, पराठे किसी के साथ भी आप खा सकते हो, बहुत स्वाद बनता है ये। जैसे तेल ऊपर आने लगे ना तो फिर इसमें हम पनीर डालेंगे। अब ये तेल ऊपर आने लगा ना, अब इसी टाइम में हम पनीर डालेंगे। तो पनीर हमने 200 ग्राम लिया है, ऐसे क्यूब में काट लिया है छोटे छोटे, आप अपने हिसाब से बड़े छोटे काट सकते हो। और मैं इसमें डाल देती हूँ, फिर एक बार 2 सेकंड के लिए इसको चलाएंगे। अब चाहो तो आप सूखा अगर पनीर पसंद करते हो तो इस टाइम आप 2 सेकंड के लिए इसको ढक के पका के और आप गैस बंद कर सकते हो। अगर आपको ग्रेवी चाहिए तो आप इसमें पानी डालो। तो मेरे को ग्रेवी चाहिए तो मैं पानी डाल रही हूँ, तो इसमें पानी डाल रही हूँ अपने हिसाब से। आपको जितना ग्रेवी चाहिए ना उस हिसाब से आप पानी इसमें डाल देना। तो मेरे हिसाब से अब इतना ही मुझे चाहिए। अब इसको क्या करेंगे ना, पहले मैंने नमक डाला था 1 चम्मच, अब थोड़ा सा नमक और डालूँगी, मतलब 1.5 चम्मच नमक मैं इसमें डाल दी हूँ। आप स्वाद अनुसार नमक डालिएगा। और इसके बाद ये जो गरम मसाला मैंने लिया था ना बड़े चम्मच से, फिर इसको भी मैंने इसी में डाल दिया। अब सारे मसाले को ऐसे मिला के और 5 सेकेंड के लिए इसको ढक के पकाएंगे कि अपना मसाला सारा पक जाए, उसके बाद गैस बंद करेंगे। चेक करते हैं इसको, ये कितना सुंदर हमारा पनीर बनके रेडी है। देखो दोस्तों, आप इसी तरीक़े से बनाइएगा, खुशबू बहुत ज़बरदस्त की आ रही है हमारे किचन में, तो आप इसी तरीक़े से बनाइएगा, आपको बड़ी अच्छा लगेगा। और फिर इसको मैं अब गैस को बंद कर रही हूँ, गैस बंद करके और इसमें धनिया पत्ता से इसको गार्निश कर दूँगी और फिर मैं आपको प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। मैं प्लेटिंग कर रही हूँ, कितना अच्छा हमारा मटर पनीर बनके रेडी है। दोस्तों आप इस तरीक़ा से ज़रूर बनाइएगा और अपने बच्चों को खिलाइएगा और बताइएगा कैसा बना आपका मटर पनीर। और दोस्तों हमारा पनीर, मटर पनीर रेडी है, आप इसी तरीक़ा से ज़रूर बनाइएगा। और आपको अच्छा लगे ना तो हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और आगे बताना कि आपके लिए क्या बनाऊं। नमस्ते।